सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन, और कोलिजन के लिए बस छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाएं कि वो विद और विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट एक दूसरे के मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट कर सके। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इतना करीब आ जाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सके, एक दूसरे के मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट कर सके, तो हम कहेंगे कोलिजन हो गया। अब विद या विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट क्यों कहा है? क्योंकि अगर ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो टेनिस बॉल्स हैं, तो ये फिजिकल कॉन्टेक्ट में आएंगे कि नहीं? लेकिन अगर ये दो प्रोटॉन्स हैं, तो फिर फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन होगी, लेकिन फोर्स तो एग्जर्ट होगी। ठीक, अब इस कोलिजन की विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दो प्रोफाइल्स हैं। एक प्रोफाइल है आपके पास साइड वाइज कोलिजन, और दूसरी प्रोफाइल है आपके पास हेड ऑन कोलिजन की। अच्छा, कैरम बोर्ड खेला हुआ है ना? यस सर। ओके, तो आज थोड़ा सा उसको दोबारा भी देखें, हमारी फेवरेट शॉट्स रिकॉल करते हैं इसमें। अच्छा, ये पॉकेट्स, और सारे एसी के पीछे पड़े होते हैं कि नहीं? अच्छा, बिटवीन और दिस इज द स्ट्राइकर कैरियर। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन ये है, अगर मैं यहां से रख के खेलता हूं, एक तो मैं इधर से रख के खेल सकता हूं ताकि ये सीधा जाए, लेकिन अगर मैंने कट लगाना है ना, तो फिर मैं ऐसे रख के खेल, इसमें जरा मुझे यूं महसूस होता है कि मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट राइट जा सकता है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। अब जब ये इसको जाके हिट करेगा, ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होगी, ये इसको इस पॉइंट पे हिट करे ताकि इसका सेंटर ऑफ मास इधर जाए, और स्ट्राइकर हिट करने के बाद इधर निकल जाएगा। तो बताओ, अगर कोलिजन के बाद दोनों के सेंटर ऑफ मासेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, तो ऐसे कोलिजन को क्या कहेंगे? साइड वाइज। फिजिक्स की रूल से अगर डिफाइन करो ना, तो फिर सेंटर ऑफ मास स्टैंडर्ड है कि अगर कोलिजन के बाद कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मासेस डिफरेंट लाइंस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन को क्या कहेंगे? ओके, अब हेड ऑन की प्रोफाइल देखो कि हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है। So head on collision में we have this striker carrying, और आपने एक बात नोटिस की है, striker carrying का mass और radius target carrying से ज्यादा होता है। अगर ऐसा ना होता तो पता है क्या होता? जिन ऑब्जेक्ट के masses सेम हो, जिन ऑब्जेक्ट्स के masses सेम हो, इसका mass भी m है, इसका mass भी m है, अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी। दोनों की स्पीड इंटरचेंज होगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 5, और इसकी स्पीड क्या होगी? 3। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा स्ट्राइकर सिर्फ एक ही टारगेट को हिट करके रेस्ट पे आ जाए? उस तरह कैरम खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैरम बोर्ड में ये फिजिक्स इन्वॉल्व है कि आपके स्ट्राइकर कैरम डिस्क का मास और साइज बड़ा है, ताकि हम उसको जब फोर्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, तो उसका मोमेंटम ज्यादा हो, और वो इसको जब मोमेंटम में पार्ट करे तो रेस्ट पे ना आए, उसके पास रिमेनिंग मोमेंटम हो जिससे ये फर्दर इंपैक्ट दे सके, तो मल्टीपल टारगेट्स को। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन हो, ये बड़े मजे की शॉट होती है। ठीक है, इसमें हमारी कोशिश ये होती है ना कि ये दोनों इंटच आ जाए, है ना, और ये फिर उसको घर तक छोड़ के आए। खेला हुआ है? अच्छा, इसमें देखो, अब टारगेट है ये लाइन, ये पॉकेट में आए, तो अब देखो दोनों के सेंटर ऑफ मासेस सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेंगे,
तो अगर कोलिजन के बाद कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मासेस सेम स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव कर रहे हो तो इस कोलिजन को क्या कहेंगे? हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। अब फिजिक्स की रूह से एक और बात बताता हूं कि फिजिक्स में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आए तो फिर यूं हो सकता है कि कौन से कोलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा, हेड ऑन या साइड वाइज? हेड ऑन कोलिजन में। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, और ये स्पेशल केस है। अच्छा, कि अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के मासेस सेम हो तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो, अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के मासेस सेम हो तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो। जी, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। मैंने कल भी बताया था कि मोमेंटम वो मोमेंटम का मोमेंटम की कंजर्वेशन वो लॉ है जो फिजिक्स के नहीं यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज में से है। ये कंजर्व ना हो तो मोमेंटम की वेरी यूनिवर्स की वेरी एग्जिस्टेंस जो है वो ट्रबल में आ सकती है। तो चेंज इन मोमेंटम, द लॉस इज इक्वल टू गेन। अगर एक का ज्यादा हुआ है तो फिर दूसरे का कम हुआ होगा, लेकिन चेंज का सम कांस्टेंट रहेगा। कल न्यूटन थर्ड लॉ में भी यही चेंज कर रहा था। अच्छा, अब इसमें दो और इम्पोर्टेंट और स्पेशल टाइप्स हैं जिनको हम इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? एक ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहे, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहे। दोबारा बता रहा, एक ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम और सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो। देखो, चेंज पे पाबंदी नहीं है, सम पे पाबंदी है कि टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट हो। डेफिनेटली एक ने एनर्जी गेन की होगी, एक ने लूज की होगी, लेकिन सम क्या रहे? कांस्टेंट। कोलिजन में दोबारा किसी ने मोमेंटम लाइक इन हेयर, इससे मोमेंटम लूज किया और इससे मोमेंटम, लेकिन जितना इससे लूज किया होगा उतना इससे गेन किया होगा। तो सम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो, यानी वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करे। यानी ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो कोलाइड हो रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो कोलाइड हो रहे हैं। लेकिन कोलिजन के दौरान अगर साउंड पैदा हुआ, हीट पैदा हुई या ऑब्जेक्ट्स की शेप डिफॉर्म हो गई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे की शेप की डिफॉर्मेशन में इस्तेमाल हुई, तो ऐसे कोलिजन को फिर हम इनइलास्टिक कहेंगे। समझ आई? तो यहां पर इन इलास्टिक में, अच्छा देखो, दो चीजों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वो कौन कौन सी दो चीजें इस लिस्ट में? एनर्जी और मोमेंटम। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन से लॉज हैं? फंडामेंटल लॉज हैं, कंजर्वेशन लॉज और फंडामेंटल। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन चले गए। कोई भी कोलिजन हो, कुछ भी कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा ये ओबे होंगे। एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही तो इसका मतलब ये कौन सा कोलिजन है? क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा, एक हिस्सा रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, फिर एक हिस्सा साउंड में, फिर एक हिस्सा हीट में, फिर एक हिस्सा डिफॉर्मेशन इन द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गया। तो ये कोलिजन कौन सा कोलिजन है? इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कप ऑफ टी को यहां से ड्रॉप कर लूं, जाके कोलिजन करेगा आपके साथ, कोलिजन के दौरान क्या क्या होगा पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे? उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी तो उसका एक हिस्सा साउंड, दूसरा हिस्सा ब्रेकिंग में इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। और जहां से लगेगा वहां से आप देखो कप का पेंट वगैरह खराब हुआ होगा या थोड़ा सा डेंट पड़ा होगा, टूटने के साथ साथ ये भी हुआ है और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर हीट पैदा हो गई, तो ऐसे कोलिजन को इनइलास्टिक। अब इलास्टिक और इनइलास्टिक में जी काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी, आपने लिखा है कि एनर्जी कांस्टेंट होगी,
एनर्जी कांस्टेंट होगी. तो एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब कंजर्वेशन लॉ में क्या था कि एनर्जी रिमेंस टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू. अभी देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये 10 जूल है, ये 8 है, ये 7 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो टोटल क्या हुआ 10 हुआ कि नहीं हुआ. तो टोटल तो अभी भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही, इसकी फॉर्म चेंज हुई. अब कोलिजन में रिक्वायरमेंट ये थी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास पहले थी उतनी बाद में भी होती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेक्रीफाइज हो गई है, उसमें से कुछ हिस्सा निकल के साउंड हीट और डिफॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गया है, इसलिए कोलिजन इलास्टिक नहीं रहा. समझ आ गई बात? अच्छा, इलास्टिक. अच्छा, अब इसके ऊपर डिस्कस करूंगा इलास्टिक की एग्जांपल्स. अच्छा देखो, पहले तो ये याद रखो ना कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है क्लासिकल स्केल पर, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर. मिसाल के तौर पे दो हार्ड बॉल्स, क्रिकेट बॉल्स हैं, ये आपस में टकराते हैं, तो जब ये टकराते हैं तो क्या इनकी शेप नहीं चेंज होगी थोड़ी बहुत? शेप से नहीं, शेप नहीं, इनकी नहीं, ये जब टकराएंगे तो एक दूसरे के स्टफ को डैमेज करेंगे कि नहीं? तो डैमेज करने के लिए तो एनर्जी चाहिए थी, तो वो एनर्जी कहां से आई? इनकी काइनेटिक एनर्जी से ही आई. दूसरी चीज नोटिस करो कि जब ये टकराते हैं तो साउंड पैदा होता है. लेकिन एक और चीज जो आप निग्लेक्ट कर रहे हो कि जब ये टकराने के लिए आ रहे हैं तो ये तो एयर में आ रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस भी तो है ना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में भी इस्तेमाल होता चला जा रहा है. सो ये कोलिजन इनइलास्टिक है. लेकिन अब गेट बैक टू इट. अब चक्कर ये है कि ये जो साउंड पैदा हुआ है बहुत कम एनर्जी है, और क्योंकि ये बॉल स्फेरिकल शेप में तो इनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है, इसीलिए एक दूसरे की शेप को भी ज्यादा डिफॉर्म नहीं कर सकते. और हार्ड बॉल है ना, शेप तो आसानी से डिफॉर्म होती नहीं, थोड़े बहुत स्क्रेचेस आ जाते हैं, लेकिन उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर बहुत कम हीट भी पैदा होगी और एयर रेजिस्टेंस स्फेरिकल शेप के लिए मिनिमल होती है. तो हम इन तमाम एनर्जीज को हम क्लासिकल फिजिक्स में निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए दो हार्ड वॉल्स का कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा. लेकिन अगर ये दो हार्ड वॉल्स ना होते, ये दोनों मड वॉल्स होते, मड वॉल नर मिट्टी से बने, अब ये टकराएंगे तो फिर जबरदस्त किस्म की तबाही होगी, शेप चेंज होगी कि नहीं? वो स्फेरिकल से डिस्क शेप में जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टिक भी हो जाएंगे, तो इस कोलिजन को क्या कहेंगे? और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा. परफेक्ट इन इलास्टिक क्यों कहेंगे? कि परफेक्ट इन इलास्टिक की रिक्वायरमेंट है कि कोलाइडिंग बॉडीज कोलिजन के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए. अच्छा, जैसे देखो दो गाड़ियों का कोलिजन इन इलास्टिक, लेकिन अब एक ट्रक है और एक कार है, कोलिजन हुआ, अब ट्रक उस कार को अपने साथ आगे आगे लेके जा रहा है, तो दोनों एडहेयर हो गए हैं, स्टिक हो गए हैं, तो अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है. तो अब दोबारा समराइज करता हूं, अगर दो टेनिस बॉल को लाइट कर रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन होगा, लेकिन दो मड बॉल्स को लाइट कर रहे हैं तो हार्ड बॉल्स यानी शेप में डिफॉर्मेशन नहीं आई, साउंड हीट पैदा हो जाए, निग्लेक्ट कर दो, एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर दो, तो ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन. तो मैंने शुरू में क्या कहा था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं, तो हम कुछ एनर्जीज को निग्लेक्ट करके, क्योंकि वो एनर्जीज बहुत कम होती है कोलिजन को इलास्टिक बना देती. अब अगर आप चाहते हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो थोड़ा सा एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे चले जाओ. दो एटम्स न्यूट्रल हैं, एटम्स का कोलिजन इलास्टिक होगा. अब एटम्स को लाइट करेंगे तो कोई ज्यादा साउंड पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे हैं और स्फेरिकल शेप में उनको कंसीडर किया जाता है, तो उनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत स्मॉल. जरा गौर से देखो ना, बॉल्स को लाइट करेंगे बहुत छोटा सा एरिया इन कॉन्टेक्ट आएगा. लेट मी शो दैट इन द डायग्राम. जब दो बॉल्स को लाइट करेंगे तो उनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट देख लो यहाँ पे बहुत स्मॉल होगा कि नहीं? ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है बहुत स्मॉल है. लेकिन अगर दो क्यूब्स आपस में कोलाइड कर रहे हो, ठीक है, इधर देखो. अच्छा, दो क्यूब है, इसके साथ एक और डिफरेंट कलर में क्यूब बनाता हूँ, आप देखो. अच्छा, ये इन कॉन्टेक्ट आ चुके हैं, मुझे बताओ ना जरा क्या ख्याल है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो इनके कोलिजन में तो फिर साउंड भी बहुत ज्यादा पैदा होगा, हीट भी बहुत ज्यादा पैदा होगी, डिफॉर्मेशन की चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट कर देंगे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे. तो एटम्स क्योंकि स्फेरिकल शेप में हम कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी इसी शेप में ले लो, तो उनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत
कम होगा. तो एटम सर्कुलेशन, कौन सा सर्कुलेशन हुआ? इलास्टिक. न्यूट्रॉन सर्कुलेशन? इलास्टिक. अच्छा, एटम और न्यूट्रॉन के लिए हम ड्राई फोर्स को कंसीडर भी नहीं करते. वो साइज में बहुत छोटे हैं, तो उनके सामने कौन आएगा? कोई दूसरा एटम ही आएगा ना. देखो एयर रेजिस्टेंस की वजह क्या है? एटम या मॉलिक्यूल है ना. तो अब ये तो आपस में ही टकरा रहे हैं, इनके सामने तो कोई नहीं आ रहा, यही एक दूसरे के सामने आ रहे हैं. तो इनके लिए ड्रैग फोर्स है ही नहीं. इनके लिए क्या है? निग्लिजिबल नहीं, इनके लिए ड्रैग फोर्स है ही नहीं. देखो दो एटम टकरा रहे हैं, अगर दरमियान में कोई एटम आ गया तो उसको छोड़ दो, फिर ये दोनों टकरा गए, तो ड्रैग फोर्स तो ऑफर ही नहीं हुई. इनका तो डायरेक्ट कोलिजन हुआ है. सब एटॉमिक या एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एयर रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह तो ये खुद है. अच्छा, फिर अब जरा क्रिटिकल चलते हैं. बताओ दो प्रोटॉन्स का कोलिजन इनइलास्टिक. अब इनइलास्टिक की वजह क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स. क्योंकि अब जब वो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो नतीजा क्या हो रहा है? वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. वो एक दूसरे को जब रिपेल कर रहे हैं तो वो स्लो डाउन हो रहे हैं, और जब वो स्लो डाउन होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहे हैं. और जब स्लो डाउन होते हैं तो वो, ये एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, ये करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, तो जितना ये एक दूसरे के करीब आएंगे, रिपल्सिव फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा होगी. इनमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और एक्सेलरेटेड चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दो प्रोटॉन्स यानी चार्ज बॉडीज के कोलिजन के केस में इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं. चार्ज बॉडीज जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो क्या इमिट होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ये जो लाइट इमिट हो रही है, पता है किस वजह से इमिट हो रही है? एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से हो रही है. जब भी आपके पास ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज हो तो वो क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा. तो जब चार्ज बॉडीज एक दूसरे के करीब आ रही होती है, अच्छा, चाहे वो अपोजिटली चार्ज हो या लेकिन यहाँ पर भी फोर्स बहुत ज्यादा होगी कि नहीं? जितना करीब आते जाएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? स्टिल ये भी क्या इमिट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेंगे. तो याद रखिएगा कि अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स वगैरह न्यूट्रल हैं तो फिर उनका कोलिजन, लेकिन अगर वो चार्ज हैं तो उनका कोलिजन इलास्टिक कंसीडर किया जाएगा. समझ आ गई? अगर एक और बात, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, अगर चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम हो, चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम हो, बहुत कम हो, तो फिर इनसे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी भी बहुत कम हो, तो हम फिर उसको निगलेक्ट कर सकेंगे. तो अगेन क्लासिकल वाला केस बन जाएगा कि खैर है, थोड़ी बहुत हीट या साउंड पैदा हो गया, कोई बात नहीं, निगलेक्ट कर दो. तो चार्ज बॉडीज के केस में भी अगर वेलोसिटीज कम है चार्ज बॉडीज की, तो फिर उनका कोलिजन इलास्टिक होगा, लेकिन अगर उनकी वेलोसिटीज ज्यादा है तो फिर वो समझ आ गई? बिल्कुल. अच्छा, दो मड बॉल्स का कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है? इन्होंने कहा कि सर अगर ये चिपक जाते हैं तो फिर मोमेंटम कंजर्व इन इलास्टिक, तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? फर्स्ट करो दो मड बॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी है, दोनों का मोमेंटम है, नेट मोमेंटम क्या है? Because two vectors, they are equal in magnitude, but तो जब ये एक दूसरे करीब आ रहे थे तो इनके मोमेंटा का सम, वेक्टर सम जीरो था, जब ये चिपक गए तो भी तो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी. तो कंजर्वेशन हर जगह पर अप्लाई हो रही होगी. दोबारा देखो, ये दो बॉल्स तो सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन अगर ये दो बॉल्स यू, ये मड बॉल्स है, ठीक है, सेम मासेस की कंसिडर करो, सेम वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. अब अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, और ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव, इसका मोमेंटम. अब बताओ इस पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या है? ये है बिफोर कोलिजन. आफ्टर द कोलिजन जब दोनों स्टिक हो जाएंगे, लेट्स से यू स्टिक हो चुके हैं दूसरे के साथ, ठीक है, शेप भी फॉर्म हो गई है, स्टिक होने के बाद ये दोनों रेस्ट पर अगर आ गए तो रेस्ट पे आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. तो मोमेंटम भी क्या होगा? तो कंजर्वेशन होल्ड कर रही, सेम डायरेक्शन में होंगे फिर भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी मोमेंटम था, बाद में भी मोमेंटम रहेगा.
ठीक है। अच्छा कंजर्वेशन तो छोटी सी बात कहती है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम इज विच सिस्टम, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा अब हम करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो तीन पेजेस की डेरिवेशन समझा दूं कि याद करा दूं? इस चैप्टर की प्रोबेबली सबसे लंबी डेरिवेशन और आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के सबसे लंबे फार्मूले लेंथ के लिहाज से सबसे लंबे फार्मूले जो याद करने में मुश्किल है इसी के। लेकिन इंशाल्लाह जब भी सबसे मुश्किल टॉपिक आएगा तो मैं सबसे आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोग अब देखें इसके साथ, ठीक है? बचपन में कहानियां सुनते होंगे आप लोग या पढ़ी हो, कहानियों में अक्सर यूं होता है एक दफा का जिक्र है। Yes, sir. मुझे इस तरह लगता है ये एक दफा का जिक्र है कि हम कोई भी बात शुरू करें तो याद रहेगी, क्यों? कहानियां जब हम शौक से सुनते हैं, किससे कहानियां शौक से सुनते हैं तो वो एक दफा का जिक्र है, मैजिकल नहीं होता, हमारी कंसेंट्रेशन मैजिकल होती है। तीन घंटे का लेक्चर आपको क्लास में नहीं याद होगा कभी भी, लेकिन तीन घंटे की मूवी याद हो जाती है। कंसेंट्रेशन है ना, इंटेंट है। जब इंटेंट आपकी हो किसी काम के लिए तो फिर आपका ब्रेन अपनी 100% एनर्जी देना शुरू कर देता है। आपका फोकस डेवलप हो तो आप चीजें उसी वक्त एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये बात और देखें आप इस लेक्चर को कि ये याद होता है कि नहीं। एक दफा का जिक्र है, तो एक दफा का जिक्र है कि एक था बॉल M1 और उसकी वेलोसिटी थी V1 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि हम कितनी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इसका सेंटर ऑफ मास और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट करो विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा और फिर दूसरा है बॉल जिसका मास है M2, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है V2 स्पीड के साथ और वो स्पीड है फर्स्ट करो 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब V1 इज समझ आई कुछ? अच्छा फिर यहां पे हो जाता है कोलिजन, टकराव। तो कोलिजन के बाद हालात बदल जाते हैं, समझ आई कि नहीं? अच्छा कोलिजन के बाद हम एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों के मासेस सेम है, ठीक है? तो इस अजम्पशन के साथ वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी ना। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। अब बताओ कोलिजन से पहले एक दूसरे के मुताबिक इनकी इनकी स्पीड क्या थी? रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के मुताबिक स्पीड। सुनो आप ये बड़े मजे की बात है, आप इस गाड़ी में बैठे हो आपको क्या लगेगा पीछे वाली गाड़ी आपके पास कितनी स्पीड से आ रही है? 3 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली, क्योंकि 3 तो आपकी अपनी है ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो 5 से आ रहा है, आप क्या कहोगे? वो 2 मीटर पर सेकंड। तो आपने तो बड़े बगैर ही बता दिया है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो उनको सबट्रैक्ट करो। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटीज को सबट्रैक्ट करो। तो सुनो ये दोनों आप क्या कहेंगे? ये दोनों कहेंगे, बड़े मजे की बात है, ये दोनों कहेंगे, ये कहेगा कि ये मेरे करीब आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये कहेगा नहीं नहीं ये मेरे करीब आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा किसको लगेगा कि वो पीछे से आ रहा है मेरे पास, और इसको क्या लगेगा कि वो पीछे आ रहा है? समझ आई? इधर देखो, अगर आप इस गाड़ी में बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाली गाड़ी आपके पास आ रही है, ठीक है? आ रही है कि नहीं? आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ के देखोगे आपको लगेगा ये गाड़ी आपके करीब आ रही है। अच्छा इधर से देखो, अब तो आप गाड़ी इसी डायरेक्शन में चला रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि ये वाली गाड़ी पीछे आ रही है? ऐसा महसूस होता है? इसका मतलब अगर किसी एक को रेफरेंस फ्रेम बनाया जाए तो ये क्या कहेगा कि इसकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड है, समझे कि नहीं? ये कहेगा कि इसकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड है, और ये क्या कहेगा? क्योंकि वो कह रहा है कि ये मेरे करीब आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, लेकिन ये क्या कहेगा कि नहीं ये मेरे करीब आ रहा है। यू गॉट दिस पॉइंट?
ओके सेकेंड फेज में आओ, जब कोलिजन हो गया तो अब इधर से देखो ये तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये क्या कहेगा ये पीछे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी -2 मीटर पर सेकंड, और ये क्या देखेगा कि ये से दूर जा रहा है कि नहीं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी +2 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब देखो कोलिजन के बाद भी अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेक करो तो 3 - 5 अगेन 2 मीटर पर सेकंड आता है कि नहीं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जो बॉल पहले 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था जो -2 से जा रहा था इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये एब्सोल्यूट का सिंबल नहीं लगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, यानी आपको फॉर्मूला दिया है कि अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करने के लिए उनको सबट्रैक्ट करोगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड करोगे। मिसाल के तौर पे ये इसके करीब आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये इसके करीब आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये अगर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से सिर्फ और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से सिर्फ, तो अब भी रिलेटिव वेलोसिटी जितनी तेजी से पहले एक दूसरे के करीब आ रहे थे अब उतनी तेजी से अगेन रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गई है कोलिजन के पास, पहले जितनी स्पीड से अप्रोच कर रहे थे अब उतनी स्पीड से रिसीव कर रहे थे, दूर जा रहे। यहां तक क्लियर? ओके सो इस टॉपिक की ट्रिक मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूं, वाकई में ये अगर आप मेरे नोट्स में चेक कर लें टेक्स्ट बुक में चेक कर लें तो ये करीबन 3 पेजेस का टॉपिक है डेरिवेशन के लिहाज से, क्योंकि पहले तो आप उसको ये कहानी सुनाएंगे एक दफा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम एक था बॉल M1 जिसकी वेलोसिटी थी V1, दूसरा था V2 जिसकी वेलोसिटी थी, दूसरा था M2 जिसकी वेलोसिटी थी V2, और दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 1 डायमेंशन में जा रहे थे, फिर तो होना ही था क्या कोलिजन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी से ज्यादा थी। कोलिजन के बाद इसकी नई वेलोसिटी, अच्छा सुनो कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी को ऐसा करते हैं, ये सैंपल जरा दे देते हैं, इसकी वेलोसिटी है U1 और इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी V2, फिर आप कोलिजन के बाद की कहानी सुनाएंगे कि कोलिजन के बाद इसकी नई वेलोसिटी V1 है और इसकी नई वेलोसिटी V2 है। और अब हम क्या करेंगे, हम इन वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, हमें V1 भी चाहिए और V2 भी चाहिए, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला है, पहला स्टेप अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, दूसरा स्टेप अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और फिर वहां से जो वैल्यूज आए उनको डिवाइड कर दो, तो पहला स्टेप अप्लाई लीनियर मोमेंट, दूसरा स्टेप अप्लाई, तीसरा स्टेप दोनों से जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको डिवाइड कर लेना, समझ आई? Yes, अच्छा तो देखें चेक करें हम पहले स्टेप में देखें अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू तो इनिशियल मोमेंटम दो बॉल्स के पास है तो बराबर होगा P1 + P2 = P1' + P2'। समझ आई? अब बताओ P1 किसके बराबर है, M1 U1 और P2 P1 M1 एक्सीलेंट और ये M2 समझ आ गई? यस सर। इधर प्राइम लगाने की जरूरत थी लेकिन इस पे प्राइम्स नहीं लगाने क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी से सिंबल आ गया। अच्छा ऐसा करो आप 1 1 एक तरफ 2 2 दूसरी तरफ, तो ये 1 उधर जाके और ये 2 इधर पहले से मौजूद है M1 U1 - M1 = उधर पहले से मौजूद है M2 V2 - M2 U2। अब बताओ इन दोनों में कॉमन रिजल्ट आएगा M1 U1 - V1 = M2 V2 - U2। क्या ख्याल है, कोई मुश्किल बात है? ओके दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये रिजल्ट तैयार हो गया, अब ऐसा करो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए अगेन स्टार्ट करो
हाँ बताओ इसको कॉपी पेस्ट करो. अच्छा क्या लिखोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दो बॉल्स के पास है, के ई वन प्लस इज इक्वल टू के ई वन प्राइम प्लस के ई टू प्राइम. समझ आई? ओके देन प्राइम सर या हाँ प्राइम है ना, प्राइम है ना. सो टू बोल गया है अच्छा अब बताओ के ई वन हाफ एम वन प्लस हाफ एम टू इज इक्वल टू हाफ m1 given square plus half gate shifting. समझ आ गई बात? Yes, sir. अच्छा बताओ कि इधर से क्या कॉमन है? Half. इधर से भी? Half. तो ले लो पहले तो इसको इक्वेशन से बाहर निकालोगे सिंपलीफाई हो जाएगा. तो m1 u1 square plus is equal to half m1 v1 square plus m2 u2 square. तो क्या कैंसिल हुआ? अच्छा अब बच गया इधर एक वन वन एक तरफ टू टू क्योंकि हमने तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है. तो ये उधर जाके और ये उधर जाके अब यहाँ से जो यहाँ पे जो पहले से मौजूद है वो है एम वन यू वन स्क्वायर. वो उधर से कौन आ रहा है? एम वन इज इक्वल टू उधर पहले से कौन मौजूद है? वी टू स्क्वायर. कौन आ रहा है? एम टू square. समझ आ रही है? अब बताओ इन दोनों में कॉमन m1 कॉमन m1 तो रिजल्ट आएगा u1 square minus is equal to m2 v2 square minus u2 square. समझ आ गई? Yes sir. और ये फिर आपका फेमस फॉर्मूला है a square minus b square is equal to a plus b square. ओपन कर दो. यानी यहाँ तक सारे स्टेप सेम थे ना, आखिर में सिर्फ आपका 9th 10th क्लास का फॉर्मूला और इसको अप्लाई करते हैं. So this is m1 u1 u1 minus v1 into u1 plus is equal to m2 v2 minus u2 into v2 plus m2. समझ आई? Yes sir. अच्छा अब इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है और उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो. अच्छा स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 1 डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं किया? तो बड़े को छोटे पे डिवाइड करते हैं ना. तो देखो वो बड़ी क्वेश्चन है ये छोटी, वरना 2 को भी 1 पे डिवाइड करें या 1 को भी 2 को डिवाइड, रिजल्ट सेम होंगे. तो यहाँ पे हमें पता है इस इक्वेशन में बहुत सारा मटेरियल है, तो इसलिए हम इसको ऊपर रहने देंगे इसको नीचे. अच्छा एक ट्रिक अब मुझसे सीखो. अच्छा डेरिवेशन के दौरान ही मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ. इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास एम वन u1 minus v1 and u1 plus is equal to m2 v2 minus और v2 plus. ठीक है अच्छा इससे नीचे नहीं लिखूंगा, बस लास्ट पे थोड़ा सा इनको स्पेस दे देंगे, नजर नहीं आ रहा. इधर देखो सारे अच्छे ट्रिक देखो आप, थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ ताकि इनको नजर आए. ये इंपॉर्टेंट बात लिखो आज डेरिवेशन में, अगर आपसे गलती हुई ना डेरिवेशन में अगर आपसे गलती हुई तो फिर आपका ये रिजल्ट गलत होगा. इस बात का ख्याल करना है कि जब भी डेरिवेशन हुई तो ऐसे होगी कि मैं क्वेश्चन वन ना देख रहा हूं और ना किसी को दिखा रहा हूं. किसी को नजर आती है क्वेश्चन वन? नहीं, लेकिन मुझे क्वेश्चन वन जुबानी याद है. वो है एम वन यू वन माइनस वी वन और ये एम टू वी टू माइनस यू टू. अब चेक करो सेम है कि नहीं? मैंने जुबानी लिखी है यही m1 u1 minus v1 m2 v2 minus मैंने लिखा है 2 divided by 1 करना है. तो मुझे 1 जुबानी कैसे याद है? ऊपर वाले से ये नहीं, ये प्लस वाले वैल्यू को छोड़ के नीचे से नीचे और ऊपर दोनों सेम होने चाहिए. अगर ये दोनों सेम हुए तो आपकी डेरिवेशन ठीक जा रही है, वरना आपने कहीं पर भी प्लस माइनस से गलती की हो. ट्रिक समझ आई? तो ये पेपर में करते हुए अपने ही क्वेश्चन को चेक करने का तरीका है कि मैंने ठीक किया है गलत किया. अगर ठीक किया तो इस प्लस वाली क्वांटिटी को छोड़ के जो माइनस वाली क्वांटिटीज हैं दे विल कैंसिल ईच अदर.
तो आपके पास सिंप्लीफाइड वर्जन बचेगा यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू। समझ आया कुछ? दोबारा बताने की जरूरत है? नो सर। ओके सो लेट्स